इतनी साल बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया। भोपाल में इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। भोपाल में इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। सभी गैस पीड़ितों को सही मुआवजा देना होगा, देना होगा, देना होगा। जहरीला कचरा साफ करना होगा। भोपाल गैस कांड को 38 साल हो गए हैं, पर 38 सालों में वहां के जो पीड़ित हैं, सरकारों ने उनको सही मुआवजा नहीं दिया है। और जो उनकी जो वहां का केमिकल था वो भी अब उसी मिट्टी में है, उसकी वजह से बहुत सी वहां के जो लोग हैं वो अफेक्टेड हो रहे हैं। ऐसे ही हमारे साथ एक माता जी हैं। माता जी, पहले तो नाम बताइए आपका नाम। मेरा नाम रशीद अभी है, गैस पीड़ित महिला कर्मचारी संघ के प्रेसिडेंट जी। मैडम, जब हमें थोड़ा सा बताइए कि जब वो गैस कांड हुआ था तो क्या मंजर क्या था? 2 दिसंबर 1984 की रात से पहले हमें नहीं मालूम था कि गैस कांड क्या होता है, यूनियन कार्बाइड नाम की कोई चीज़ भी है। अचानक 12-1 बजे रात को हम लुगड़ी बना के सोने जा रहे थे कि आवाज़ आई, भागो भागो सब मर जाएंगे। तो हमारे लड़का उठा और उसने देखा कि उसके आँख से आंसू आने लगे, नाक से पानी आने लगा। जब बाहर जाके देखा तो पीछे थाना था, थाना भी खाली था, लॉकअप खुले हुए थे, पब्लिक तूफान की तरह चली आ रही थी। और सब ये कह रहे थे सब मर जाएंगे, भागो। तो हमारे घर में वो आया, सब लोग उठ उठ के भागने लगे। हम 1/2 किलोमीटर नहीं चल पाए कि हमारे आंखों से पानी के आंखों में ऐसा लग रहा है अंगारे भर गए हैं, सूजे गड़ रहे हैं, और सीने में ऐसा लग रहा है आग जल रही है, सांस ही नहीं ले पा रहे थे। तो हम वहीं बैठ गए। वहाँ पे सब लोग कह रहे थे या अल्लाह मौत दे दे, या भगवान मौत दे दे। उस दिन मौत बहुत प्यारी लग रही थी, जो मर गया उसे सुकून हो गया। माँ की गोद से बच्चा छूटा, माँ ने नहीं उठाया, वो आगे निकल गया। तो इसी तरह से हमने आँख खुली, थोड़ा सा आँख खोलते थे तो देख रहे हैं जमीन में पड़े लोग, लेटरिन बाथरूम वहाँ से आप निकल रहा है, मुँह से पानी बह रहा है, पड़े हैं लोग कुचलते हुए जा रहे हैं, लोग मर रहे हैं। ऐसे कहीं से सुबह 4 बजे गाड़ियाँ आई, उन्होंने आवाज़ दी, वही यूनियन कार्बाइड की गैस बंद हो गई है, आप अपने घर को लौट जाइए। जब पहली बार हमने यूनियन कार्बाइड का नाम सुना था, और ना तो जवाब आँखों में ताकत थी, ना सांस में ताकत थी कि हम घर लौट सके। तो वहाँ से कहीं से गाड़ियाँ आई, उन्होंने हमें हॉस्पिटल पहुँचा दिया। हॉस्पिटल में जब जाकर देखा तो डॉक्टर खुद कह रहे थे कि क्या करें, कैसे बचाएं, कोई आई ड्रॉप डाल रहा है, कोई बटन लगा रहा है, कोई दर्द का इंजेक्शन लगा रहा है, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि इसका इलाज क्या है। तो ऐसे ही करते करते जो आ रहा है, इधर आया इधर मर गया, इधर आया इधर मर गया। लाशों की छलियाँ लगा दी, जैसे गेहूँ के बोरों की छली लगी रहती, ऐसे लोग मौतों की लाशों की छली लगी थी। हमें 4 बजे शाम को हम घर पर छुड़वा दिया, आँखें बंद थी, कुछ को दिखा नहीं। 3 दिसंबर निकल गया, 4 दिसंबर को जब थोड़ा वो पानी मारा, आँख खुली, तो देखा कि वहाँ पे हमारे घर के लोग नहीं है, परिवार के। तो हमें बताया कि हमीदी हॉस्पिटल में मिल सकते हैं वो लोग। जब वहाँ गए तो वहाँ तो लाशों का अंबार लगा हुआ था, एक एक बार में जनाजे की नमाज 500 लोगों की हो रही थी, और जलाने की लकड़ियाँ दे रहे थे, कपड़ा दे रहे थे जलाओ, ना जलाने की जगह थी, ना दफनाने की जगह थी, एक एक कब्र में 10-10, 12-12, 15-15 को घूर रहे थे। हमने हमारे पापा को देखा, एक जगह मुंह से खून आ रहा था, वो बैठे थे, उन्हें लेके आए, हमारे जेठ के घर के पूरे परिवार के लोग नहीं मिल रहे थे। फिर पता चला कि वो वहाँ भोपाल से 150 किलोमीटर दूर कहीं किसी ने उन्हें छोड़ दिया, फिर उन्हें लेके आए। उसके बाद हमारे घर में हमारी जेठानी को कैंसर हो गया, हमारे पापा को कैंसर हो गया, इस तरह से हमारे घर से 8 लोगों की मौत हो गई गैस कांड के बाद से। टोटल 25,000 मुआवजा मिला है, और हमें लड़ते लड़ते हम अमेरिका गए, अफ्रीका गए, रूस गए, फ्रांस गए, जापान गए। जापान में हमने मीना माता में देखा कि वहाँ पे पारे का असर हो रहा है, विकलांग बच्चे पैदा हो रहे हैं। हमने जो भोपाल में भी है, तो भोपाल में भी वही असर आज देखने को मिल रहा है कि बच्चे विकलांग पैदा हो रहे हैं। हर एक 2 घर छोड़ के आपको विकलांग बच्चे मिल जाएंगे, माओ की गोद में विकलांग बच्चे कार्बाइड के गैस की वजह से है। लेकिन डाव केमिकल ने आज तक जिम्मेदारी नहीं ली है, और सरकार उसे जिम्मेदारी दिलाना भी नहीं चाहती। हमारे माननीय प्रधानमंत्री उनके साथ खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, उन्हें गले लगाते हैं, लेकिन आज तक उन्होंने जाकर ये नहीं कहा कि हमारा एक शहर पूरा बर्बाद हो गया। दुनिया की सबसे बड़ी उद्योग त्रासदी भोपाल में हुई है, उसका इंसाफ, उसे इंसाफ मिलना चाहिए, उसको जिम्मेदारी डाव को लेना चाहिए। हम सरकार से पैसा नहीं मांग रहा, हम सिर्फ सरकार से ये कह रहे हैं कि आप आंकड़े दे दो, जो अस्पतालों के आंकड़े हैं, जो मौतों के आंकड़े हैं, जो बीमारियों के आंकड़े हैं, वो आप कोर्ट को दे दो, कोर्ट में जज जो फैसला करेंगे वो हमें मंजूर होगा। हम कंपनी से मांग रहे हैं, हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, लेकिन सरकार वो उसके लिए भी तैयार नहीं है, कोई काम करने को तैयार नहीं, आंकड़े देने को तैयार नहीं है, झूठ बोल रही है। अदालत में कहती है 5,000 मरे, बाहर कहती है 15,000 मरे, किसकी माने? ना तो वो अदालत में सच बोल रहा है, ना बाहर सच बोल रहा है। एक बात बताइए, 5,000 आप कह रहे हो कि मरे,
और 5000 विधवाओं को आप पेंशन दे रहे हो, तो क्या आदमी आदमी मरे थे और कोई नहीं मरा गैस में, छाट के गैस ने आदमियों को मारा था। तो ये शिवराज सिंह चौहान को शर्म नहीं आ रही है ना, नरेंद्र मोदी जी को शर्म आ रही है कि आंकड़े तो दे दो आप, एक पैसा मत दो, हमें नहीं चाहिए, आप तो सिर्फ आंकड़े दे दो, कोर्ट जो फैसला ले करेगी वो हमें मंजूर होगा। अभी आप लोग कितना मान रहे हैं कि इतने लोगों की मौत है, इतने बच्चों की, इतने जानवरों की मौत है? 5,74,000 गैस पीड़ित थे, जिसमें से 5,21,000 को उन्होंने एक डिग्री में रखा है कि नहीं एक दिन गैस लगी थी, ये ठीक हो गए। तो हमारा ये कहना है कि 5,21,000 को जो 25,000 मिला है, उन्हें हर एक को कम से कम 6 लाख रुपए मुआवजा मिलना चाहिए, और हमने अदालत में मांग भी रखी है कि 6,36,00,000 रुपए देना चाहिए। तो सरकार ने मांगे 93 अरब, हमने मांगे 600 अरब। तो सरकार का कोर्ट का कहना है, वहाँ के वकील, बड़े शर्म की बात है कि गाँव के वकील कहते हैं इन संगठनों की मत सुनो, सरकार की सुनो, क्योंकि सरकार तो उनके जेब में बैठी है। तो सरकार की मान लो, इन संगठनों की मत सुनो, हमने कहा हमारी नहीं सुनो, लेकिन हमने जो मांगा है वही सरकार मांगे। 600 अरब हमने मांगा, सरकार भी 600 अरब मांगे, सरकार मांग रही है 93 अरब। तो 93 अरब में तो सिर्फ सरकार का ही खर्चा निकलेगा, अगर मिल भी गया तो सरकार ने जो लाशें फेंकवाई हैं, जानवर फेंकवाए हैं, सफाई कराई है, उसमें उनका जो पैसा खर्च हुआ वो निकलेगा, गैस पीड़ित को एक पैसा भी नहीं मिलेगा। गैस पीड़ित तो वहीं के वहीं है, 25,000 जो मिला बस वही है, और वो भी 200 रुपये महीना दिया 7 साल, उसके बाद 10,400 रुपये हाथ में दिए, बस ये मुआवजा है। ये सभी को 25,000 रुपये, सबको 25,000 मिला है, 93% लोगों को 25,000 मिला है, बाकी जो 7% लोग हैं जिनको मरने वालों को 10 लाख दिए हैं और कैंसर वालों को 5 लाख दिए, बाकी किसी को कुछ नहीं दिया। 93% लोग जो हैं 5,21,000 उन्हें 25,000 दिया, तो ये क्यों, जबकि कार्रवाई के खुद के दस्तावेज ये कहते हैं कि जिसे एक बार गैस लगी है, एक किरण अंदर गई है, उसकी 3 पीढ़ियां तक बर्बाद होंगी, और भोपाल की हो गई, भोपाल की 3 पीढ़ियां बर्बाद हो गई, बच्चे पैदा हो रहे हैं, बच्चों के बच्चे पैदा हो रहे हैं, वो विकलांग हो रहे हैं, तो आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो गई, तो आप ऐसे जी के क्या करेंगे, ऐसे तिल तिल करके मरने से तो बेहतर था कि उस दिन ही मर जाते, खुशकिस्मत थे लोग जो उस दिन मर गए, बदनसीब थे जो जिंदा हैं आज, और इस तरह से सरकार के सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा है कि हमें इंसाफ दो, ताकि हम तो मर गए लेकिन दुनिया को कम से कम बचा सकें, दुनिया को पता चल सके कि कंपनियाँ कितनी जहरीली गैस निकाली है और कितनी खतरनाक जहर बनाती हैं, जिसका कोई इलाज ही नहीं है, दुनिया में इलाज नहीं है, वो गैस ये लोग बनाते हैं, और जब रिश्ती है तो जैसे भाग जाते हैं, हमारी सरकारों ने छोड़ देती हैं, तो कम से कम दुनिया को सामने आएगा, दुनिया भी तो बचाने के काम आएगी, हम दुनिया को बचाना चाहते हैं, भोपाल मर गया एक बार, लेकिन दुनिया में अब और भोपाल ना हो, इसके लिए हमारी ये लड़ाई है, और भोपाल को इंसाफ मिलना चाहिए। सरकार का ध्यान ना देना, राजनीति करना है, इसके बारे में आप कहेंगे? सरकार उनसे चंदा लेती है चुनाव लड़ने को, डाव केमिकल ने करोड़ों रुपए दिए हैं मोदी सरकार को चुनाव लड़ने के लिए, और पकड़े भी गए हैं, तो सरकार ने अब नियम बना दिया है कि आप कोई ये नहीं पूछेगा कि चुनाव में किसने कितना चंदा दिया, ये इसीलिए बना है क्योंकि कंपनियां ने चंदा देती हैं, अडानी अम्बानी ने चंदा देते हैं, डाव केमिकल कंपनी यूनियन कार्बाइड ने चंदा देती है, तो ये ना नहीं बचाएंगे तो क्या हमें बचाएंगे, हमें ये अपना नागरिक ही नहीं मानती, हमारे इस देश के हम नागरिक ही नहीं माने जाते, वो तो उन्हें मानते हैं नागरिक जो उन्हें चंदा देते हैं, जो उन्हें सीट पर बिठा के बादशाह बना के बिठाया है उन्हें मानते हैं वो, ये हमारे मोदी जी का ख्वाब है, ख्याल है कि कंपनियों को बचाओ और राज करो, जनता मरती है मर जाए। आज आप जंतर मंतर आए हैं, क्या उम्मीद लेकर आए हैं, क्योंकि इकट्ठा तो आप हर साल होते होंगे? हर साल हम 37 वर्ष यहाँ हमने मनाई है भोपाल में, 38वें वर्ष भोपाल दिल्ली में मनाने इसीलिए आए हैं, अब तो शर्म आए ना, अब तो शर्म आ जाए कि 38 साल बाद भी भोपाल के लोग यहाँ हमारे दरवाजे पर आके दस्तक दे रहे हैं, इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए ना, थोड़ी सी शर्म कहीं होगी, थोड़ा सा दिल में कहीं कोने में जगह होगी, तो ये इंसाफ दिलाएंगे और कोर्ट में आंकड़े पेश करेंगे, इसके लिए हमें 38वीं वर्ष मनाना है। वो जो कंपनी थी वो कंपनी बंद होगी क्या, फिर से चल रही? नहीं, बंद हुई, डाव कंपनी ने यूनियन कार्बाइड को मर्जर कर लिया, और वो उसका पूरा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, पूरा बिजनेस कर रहे हैं, कमाई खूब अच्छी कर रहे हैं, लेकिन भोपाल की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। अमेरिका में एक सीमेंट बनाने की कारखाना था, उसमें अमेरिका का था वो, और था यूनियन कार्बाइड का, क्योंकि वो अमेरिका में था, तो अमेरिका के लोग तो जान की कीमत रखते हैं, हिंदुस्तान के लोगों की कीमत तो कुछ है ही नहीं, जानवर से बदतर है, कुत्ता मर जाए उसका मुआवजा मिल जाएगा, लेकिन इंसान मर जाए उसका मुआवजा नहीं मिलेगा, इसलिए भोपाल के लोगों की जिम्मेदारी नहीं ली, और अमेरिका की सीमेंट बनाने चादर की जिम्मेदारी तुरंत ले ली डाव कंपनी ने, उन्हें मुआवजा भी दे दिया, और हम लोग अभी दर दर भटक ही रहे हैं।
आपने कहा कि जो जब केमिकल जिसके भी शरीर के अंदर गया वो बीमारियों से ग्रस्त है, उसकी पीढ़ी ग्रस्त है, तो आदमी तो ग्रस्त है, जो वहाँ की मिट्टी है, वहाँ का जो खेती होती है, क्या उसमें भी ये सब चीजें? वहाँ पे जमीन में 11 लाख टन केमिकल दबा हुआ है जमीन के अंदर अभी भी, और वहाँ पे जहरीला पानी लोग हैंडपंप से पी रहे थे। तो पहले 14 बस्तियों का पानी की जांच हुई, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये यूनियन कार्बाइड का जहर है, यहाँ पे साफ पानी दिया जाए, तो 14 बस्तियों को दिया। उसके बाद 22 बस्तियों हो गई, 22 के बाद 44 हो गए, 44 के बाद 55 बस्तियां हो गई जहाँ पे आज जहरीला पानी है और लोग जहरीला पानी पी रहे हैं, और वो कचरे की सफाई आज तक नहीं हुई है। हम कह रहे हैं डाव कंपनी इसकी गहराई लंबाई नाप के इसको सफाई कराए, और क्योंकि हिंदुस्तान के पास टेक्नोलॉजी है नहीं, जिसने जहर बनाया है उसे मालूम है कैसे सफाई हो सकती है, तो सरकार वो भी करवाने को तैयार नहीं। सरकार सिर्फ उनकी बात करती है जो 340 टन कचरा एक कमरे में बंद है उसकी सफाई की बात करते हैं, जैसे हम कहीं दफना देंगे जाके, जहाँ दफनाओगे वहीं जहरीला पानी हो जाएगा, तो हमने उसे नहीं दफनाने दे रहे, वो तो सेफ है, लेकिन जमीन के अंदर जो दवा है उसे तो निकालो, उसकी तो सफाई करवाओ, उसके लिए तैयार नहीं, उसके लिए आज तक सरकार तैयार नहीं। आज आप दिल्ली में बैठे हैं, सरकार को क्या कहना चाहेंगे? 37 साल से आवाज़ उठा रहे हैं, 38वां साल आज शुरू हो गया है, 39वां साल आज शुरू हो गया, 38 साल हो गए, 39वां साल आज शुरू हो गया। तो हम सरकार से कहना चाहते हैं अब तो होश में आ जाओ, 39 साल का वक्त बहुत लंबा होता है, लेकिन आज हम लोगों को तो ऐसा लगता है कि हम कल से ही लड़ रहे हैं, ये लड़ाई हमारी कल से ही शुरू हुई है ऐसा लग रहा है, अभी लड़ाई बचपन में है, अब जवानी पे आई है, अब हमारी लड़ाई में ताकत आएगी, और अगर सरकार हमारी आज नहीं सुनती है और आंकड़े सही नहीं करती है तो हम सरकार को बता देंगे कि जनता क्या होती है और जनता का इंसाफ लेने का हक तरीका क्या होता है, वो हम सरकार को बता देंगे। लास्ट क्वेश्चन है कि आज भी जब वो दिन आता है वो मंजर तो कभी भूलता नहीं होगा, तो मन में क्या आता है कि उस टाइम जो कलेजा फट जाता है 2 तारीख की रात में, 1 तारीख से ही वो यादें ताजा हो जाती हैं, आँख के आंसू नहीं, जिनके घरों में मौतें हुई हैं उस दिन वो बरसी मनाते हैं, उस दिन 2 तारीख को रात भर सोते नहीं हैं, रात रात भर रोते हैं, उनके घर के घर उजड़ गए हैं, एक एक घर से 7-7 लाशें निकली हैं उस दिन, उसी रात को उसी सुबह ताले तोड़ तोड़ के लाशें निकाली, दरवाजे तोड़ तोड़ के लाशें निकाली हैं, तो वो मन ताजा, तो पूरे जख्म ताजा, जबान में ताकत नहीं है, दिल में हिम्मत नहीं है कि उसका बयान कर सके, कोई भी बयान कर सके, और वो जहर इतना खतरनाक था, अगर कोई कहे 1 करोड़ रुपए देंगे एक सांस वो ले लो, कोई ले के बता दे तो हम पूरी जिंदगी की पूरे भोपाल की कमाई उसे दे देंगे, अगर कोई एक सांस ले के बता दे जो इन्होंने हमें जहर पिलाया, तो वो तड़पना कोई बयान नहीं कर सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये भोपाल गैस कांड के पीड़ित है जिन्होंने अपना दर्द बयान किया है कि सरकारों ने 38 साल बाद भी हमारी नहीं सुनी है, जो उनको मुआवजा मिलना चाहिए, जो उनको हेल्थ फैसिलिटी मिलनी चाहिए, सरकार ने उन पर बिल्कुल नहीं ध्यान दिया है। ये यहाँ पर बैठकर यही सरकार से गुहार कर रहे हैं कि जो उन्हें मुआवजा दिया जाए, कोर्ट में सही सरकार आंकड़े पेश करे ताकि उन्हें सही मुआवजा मिल सके और जो बीमारियों से ग्रस्त है उनका वो सही से इलाज करा सके। मैं रविंद्र सिंह, MNTV दिल्ली।